Done. कितना आया है? होगी कैलकुलेशन 550 अप्रोक्सीमेटली, और पूरा पूरा कट रहे, पूरा कैसे कटा? अपॉन में कुछ आएगा क्योंकि पूरा नहीं कट रहा, 7 है ऊपर 45 और 22 है, वो कैंसिलेशन ही नहीं होगी। ये 8 पे कैंसिल आउट हो गया, ये 11, ये 4, पॉइंट्स में आएगा तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस यू कैन गिव योर आंसर। सो दिस यू आर टू कंप्लीट योर सेल्फ। ये समझ आ गया, बाकी आगे कैलकुलेशन नहीं है, कैंसिलेशन यू कैन डू योर सेल्फ। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through at an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. अब ये आप बताओगे कैसे करते हैं। कार के दो वाइपर्स हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे, वाइपर की हमें लेंथ गिवन है, तो अगर ये वाइपर की लेंथ हो जाती है तो यू नो कि अब आपका वाइपर या ऐसे मूव कर सकता है या ऐसे मूव कर सकता है, यानी कि कितना एरिया ये स्वीप करेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो 180 डिग्री के एंगल पे मतलब वो मूव कर रहा है। अब उसने क्या मतलब मैक्सिमम मूव कर सकता है, कर नहीं रहा, उसने हमें कहा कि वाइपर के जो ब्लेड की लेंथ है दैट इज 25 सेंटीमीटर एंड इट इज स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो ये एंगल मतलब इतना पोर्शन जो है वो स्वीप कर सकता है। सो यू आर टू फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया आपको कैलकुलेट करना है, व्हाट टू डू, क्या करें, क्या क्या गिवन है पहले बताओ। रेडियस गिवन है कितना, 25, थीटा 115, तो क्या करना है, एक का निकालना है एरिया के दोनों का निकालना है। टोटल एरिया उसने कहा है कि कितना वो स्वीप करेगा, तो दोनों ब्लेड जितना एरिया क्लीन कर रहे हैं उनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। विल यू बी एबल टू डू दिस? रेडियस गिवन है, आर गिवन है, थीटा गिवन है, एरिया निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, द सेम वन, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्योंकि दोनों सेम एरिया क्लीन कर रहे हैं तो इधर यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 2 और दोनों का निकाल के अलग अलग उनको ऐड कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल सेव योर टाइम एमसीक्यू फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चंस आने हैं, तो जितना आप टाइम अपना सेव कर सकते हो यू हैव टू फॉलो दैट मेथड ओनली। सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometers. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi is equal to 3.14. हाँ जी, क्या करें? स्टेटमेंट समझाओ पहले, तो मुझे क्या समझ आ रहा है इसमें? स्टेटमेंट में क्या समझ आया आपको? अंडर वाटर रॉक्स के लिए एक लाइट हाउस जो है वो रेड कलर की जो लाइट है वो स्प्रेड करता है शिप्स को वार्न करने के लिए। हाँ जी, 80 डिग्री के एंगल तक मतलब मैक्सिमम वो स्प्रेड हो रही है, यानी कि दिस इज फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ लाइट हाउस। आपको पता है एक पॉइंट पे वो लाइट फिक्स्ड होती है एंड इट रोटेट्स, ठीक है, तो इट मीन्स दैट इज फॉर्मिंग अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो 80 डिग्री के एंगल तक मैक्सिमम वो स्प्रेड करती है और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 16.5 किलोमीटर। सो व्हाट यू आर टू फाइंड आउट, क्या निकालना है आपको? फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। तो
तो सी के किस एरिया में शिप स्पॉन होंगी जो ये सेक्टर को बिलोंग। व्हाट द क्वेश्चन, समझ आ गया, बुक है, समझ आई है स्टेटमेंट? हाँ जी क्लियर। जया क्या करेंगे अब, ये पूरा सॉल्यूशन यू विल टेल, कहाँ क्या लिखना है, हंसने की क्या बात है, चलो। हाँ एरिया निकालना है, क्या लिखूं, क्या क्या गिवन है, पहले गिवन बताओ मुझे। हाँ जी लिखूं क्या मैं, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री गिवन है मुझे, ओके। अब पूरा डिटेल नहीं मैं लिख रही हूँ, दैट यू विल राइट डाउन योर सेल्फ। हाँ जी रेडियस कितना गिवन है, वेरी गुड। सो व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, एरिया स्वेप, एरिया ऑफ द सी अप टू विच द शिप्स विल बी बॉर्न, दिस इज इक्वल टू pi r square theta upon 360 degree. So theta you are having 80 degree. Pi you are given 3.14 over here. So you are to take care of this. Ki whenever you are given the value of pi in the question as 3.14, you are to use that value only. Agar aap usko 22/7 use kar loge, to bina aage check kiye examiner ne seedha cross kar dena hai. Waise to ab aapke paas MCQ ki option aa gayi hai, to is tarah ka koi chance hi nahi rehta. Theek hai? But usme bhi pate kya hoga wahan pe? कि उन्होंने अब इतनी क्लोज ऑप्शंस दी होंगी, मान लो उन्होंने एक आपको सॉल्व करके दे देना है 22/7 से, एक आपको सॉल्व करके दे देना है 3.14 से, डेसिमल्स में फर्क आता है आपका आंसर का। तो अगर आपने 3.14 क्वेश्चन में गिवन है बट 22/7 से कैलकुलेट किया, ऑप्शन पेपर में है, आपको लगेगा आपका आंसर सही है बट दैट विल बी क्रॉस्ड। सो जो वैल्यू गिवन है अगर 3.14, तो दैट यू आर टू टेक। अगर पाई वैल्यू गिवन नहीं है, देन ओनली यू आर टू टेक इट एज 22/7। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है, बच्चे ज्यादातर यही गलती करते हैं। सो 3.14, आर कितना गिवन है आपको 16.5, और थीटा इज, सो सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर। यूनिट क्या आएगा इसका, किलोमीटर स्क्वायर। स्कूल शूज कहाँ है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जस्ट अ मोमेंट बच्चे, यू कैन आस्क योर डाउट्स वन बाय वन।